नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं और आपको जानकारी दे दें। सुबह भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कालका शिमला नेशनल हाईवे से, जहां पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अभी आप एक बड़ा देखेंगे लैंडस्लाइड यहां पर, जो यहां पर ब्रिज बनाया गया था, जो देख रहे हैं आप सामने तस्वीरों में कि पूरा टूट चुका है। हाईवे का जो रास्ता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है यहां पर। और जिस तरह से भी ये देख रहे हैं आप, यहां पर दो गाड़ियां भी इसके साथ चली गई हैं नीचे, जो पूरा रास्ता ये टूटा हुआ देख रहे हैं आप। ये ब्रिज जो है यहां से कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पड़ता है और पूरा ब्रिज जो है टूट चुका है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि दो गाड़ियां भी इसके साथ नीचे चली गई हैं। गनीमत यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ये वर्किंग में था नेशनल हाईवे, क्योंकि अगर देखते हैं कि थोड़ा नुकसान हो या फिर कुछ आशंका ऐसी लगती है तो उस बीच जो है रास्ते को बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूरा रास्ता जो है खत्म हो गया है। हालांकि नीचे पुलिस और कुछ लोग भी नीचे की तरफ गए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा रास्ता टूटा है, पूरा जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा मिट्टी जो है नीचे चली गई है, दो गाड़ियां भी नीचे चली गई हैं इसी के साथ। और ये अभी आप देख रहे हैं जो आपको जानकारी दे रहे थे, जो डंगा ढहा है, जो रास्ता पूरा टूटा है पूरी तरह से, दो गाड़ियां इसमें नीचे गिरी हैं। सामने जो आप अभी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये गाड़ी भी ऊपर खड़ी थी और ये भी मलबे के साथ बिल्कुल नीचे आ गई। पूरा रास्ता जो है हाईवे का टूट चुका है। पेड़ है वहाँ पर, कुछ नहीं चलते। और अब आपको पूरी लोकेशन दिखा रहे हैं कि जहां से रास्ता टूटा हुआ है,
ये देखिए पूरा जो हाईवे का जो कर्व था, आप लोग जितने भी लोग सोलन शिमला वाले रास्ते से आए हैं कालका शिमला नेशनल हाईवे पर, आपने देखा होगा कि इस तरफ बहुत बड़ा कर्व है और वो पूरा जो कर्व है जहां से गाड़ी पूरी तरह से मुड़ती है वो पूरा जो हिस्सा है वो टूटकर नीचे आ गया है। सामने आप एक गाड़ी देख पा रहे होंगे जहां पर मलबे के साथ ही गाड़ी नीचे आ गई है, इसी के साथ एक और गाड़ी भी थी और अभी वो सामने दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है शायद मलबे के नीचे हो लेकिन अभी यहां से गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। और साथ ही आपको बता दें कि ये धीरे धीरे अभी भी मिट्टी गिरती जा रही है तो भी ये खतरा बना हुआ है कि जो आधा रास्ता बचा है वो भी गिरने की कगार पर यहां पर लग रहा है, क्योंकि अभी देखेंगे अभी ऊपर से मिट्टी जो है गिर रही है धीरे धीरे करके, अभी भी मिट्टी वहां से गिर रही है। ये आप देख रहे हैं अभी कि अभी भी ऊपर से पत्थर मिट्टी गिरने की आवाज़ जो है लगातार आ रही है और जो गाड़ी नीचे, अब यहाँ से दूसरी गाड़ी भी दिखाई दे रही है जो मलबे की तरफ दब गई है बिल्कुल। आप जो यहाँ पर दीवार का एक हिस्सा देखेंगे जो डंगे का हिस्सा है उसके बिल्कुल साथ में जो है दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है, एक गाड़ी ऊपर है और दूसरी गाड़ी, ये दो गाड़ियाँ जो है इस बीच आई हैं। और देखिए कि किस तरह से जो नेशनल हाईवे का जो रास्ता है पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ट्रैफिक को भी अब जो उस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है क्योंकि यहाँ से जाने वाला टनल होकर जो ट्रैफिक है वो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो ट्रैफिक को रोक दिया गया है इस रास्ते से क्योंकि पूरी तरह से रास्ता जो है यहां पर खत्म हो गया है। हालांकि अगर देखें तो जो डंगा दिया गया था वो डंगा पूरा खिसक कर जो है नीचे आ गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मॉनसून के दिनों में जो अभी नुकसान देखने को मिल रहा है, बहुत सारी जगहों पर ये हादसे हो रहे हैं सुबह से लेकर, आप लोग देख रहे होंगे मीडिया पर भी किस तरह से खबरों दिखाई जा रही क्योंकि बहुत सारी ये दूसरी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गाड़ी की जो सामने आप देख रहे हैं, एक गाड़ी आप देख रहे हैं दूसरी भी इसी के साथ दूसरी तरफ के गिरी हुई है और ये दोनों गाड़ियां जो है ऊपर खड़ी हुई थी। गनीमत ये है कि कोई भी इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जिनकी गाड़ियां गिरी हैं उन्हें नुकसान गाड़ियों का हुआ है, लेकिन कोई अच्छी बात ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी को भी इसमें चोट नहीं आई है, कोई चोटिल नहीं हुआ है। और देखिए ये बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि ये काफी व्यस्त रहने वाला हाईवे है क्योंकि यहाँ से रोजाना जो है काफी गाड़ियां जो है गुजरती हैं और जिस तरह से ये पूरा रास्ता टूटा है कोई भी गाड़ी यदि पार कर रही होती तो बड़ा हादसा जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता था, जाने नुकसान भी। लेकिन फिलहाल दो ही गाड़ियां यहाँ पर जो है इसके जद में आई हैं जो यहाँ पर पूरा ये हिस्सा टूट कर गिरा है, जो लैंडस्लाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं हुआ है, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है ये और काफी बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। और इसी के साथ जो हाईवे है ये एक बाउंड्री वॉल जो यहां पर लगी है जो आप देखेंगे रिटेनिंग वॉल जो लगी हुई है ये काफी अच्छे से लगाई गई है, बल्कि इसमें अगर देखेंगे तो जाली भी लगाई गई है, लेकिन पूरा जो मॉनसून का इस तरह से आप देखेंगे आपके जो साथ वाली है इधर वाली वॉल में देखेंगे आपकी जाली भी लगाई गई है, जो जाली लोहे की एक लगाई गई है लेकिन दूसरी तरफ को इस तरह से नहीं लगाई गई है। और पूरा जो अगर देखेंगे मॉनसून का जो रिसाव लगातार हो रहा है उसके बाद जो बारिश हो रही है भारी बारिश के चलते जो है यहाँ पर ये सड़क जो है पूरी तरह से ढह गई है। हालांकि कुछ ही दिन अगर हम बात करें तो जो NHAI के लोग ऊपर हैं अभी वो उनसे जानकारी मिल रही थी कि वो कुछ ही दिन पहले जो है इस रोड का थोड़ा सा काम उन्होंने करवाया था, लेकिन काम होने के बाद देखिए किस तरह से यहां पर और ये हादसा जो है देख रहे हैं आप सामने कि किस तरह से यहां पर ये बड़ा नुकसान जो यहां पर हुआ है कालका शिमला नेशनल हाईवे पर शमलेज के करीब जो है ये ब्रिज जो बनाया गया था जो टनल से होकर जाता है ये पूरी तरह से यहां पर जो है टूट गया है
एक हिस्सा पूरा बीच से टूटकर जो है नीचे की तरफ आ गया है। हालांकि अभी भी लगातार जो है मिट्टी जो है खिसक रही है। आप देखेंगे कि इस तरह से ऊपर से मिट्टी नीचे की तरफ आ रही है, तो यानी कि अभी भी आशंका बनी हुई है कि रास्ता भी और टूट सकता है। लगातार जो है ऊपर से मिट्टी नीचे की तरफ आ रही है, अभी भी हल्की हल्की मिट्टी खिसक रही है। यदि भारी बारिश होती है तो उसके बाद ये बड़ा हिस्सा फिर से टूटकर नीचे की तरफ आ सकता है। अभी एनएचआई की टीम भी ऊपर निरीक्षण कर रही है और साथ ही साथ अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है, लेकिन लगातार ऊपर से ये आती मिट्टी अभी भी जो रास्ता है वो टूटने का जहां पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो रास्ता इस तरफ बना हुआ है यहां से लगातार मिट्टी गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, तो अभी भी ये डर बना हुआ है कि पूरा ये रास्ता जो है एक तरफ से फिर से गिर सकता है। और आप देखेंगे कि लगातार अभी भी मिट्टी जो है ऊपर से खिसक रही है नीचे की ओर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कालका शिमला नेशनल हाईवे पर जो है हाईवे का एक बड़ा हिस्सा जो टूट कर है वो नीचे की तरफ आ गया है। लगातार गिर रही मिट्टी और अभी भी खतरा बना हुआ है कि ये जो सड़क का हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ आ सकता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, मॉनसून के दिनों में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर रास्ते टूट रहे हैं, हाईवेज टूट रहे हैं और काफी बड़े बड़े भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अगर तस्वीरों की बात करें, सुबह से ही अभी तक अगर बात करें, काफी ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं अगर बात करें तो बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं। अभी इसी बीच आपको बता दें कि कालका शिमला नेशनल हाईवे पर समलेश के समीप नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जो है खत्म हो गया है। आपके सामने ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और लगातार ऊपर से मिट्टी नीचे की तरफ अभी भी आ रही है और अभी भी ये खतरा बना हुआ है कि हिस्सा ये भी टूट सकता है जो आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से हिस्सा पूरा बाहर की तरफ निकला हुआ है। और इसी तरफ से लगातार यहां से मिट्टी गिर रही है, तो अभी ये खतरा है कि अभी फिर से ये जो हिस्सा है ये टूट सकता है, क्योंकि लगातार देखेंगे कि पत्थर और मिट्टी जो है गिर रही है। दो गाड़ियां भी इसमें आ गई हैं, क्योंकि हाईवे के किनारे ये गाड़ियां खड़ी हुई थी और रोजाना आपको से हम जानकारी देते हैं और हाईवे पर या फिर सड़कों में जिस तरह से नुकसान देखने को मिल रहा है, इस बीच आप लोगों को वाहन भी सतर्कता पूर्वक चलाने के लिए कहते हैं। तो देखिए, यदि अगर यहां से कोई वाहन जा रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। केवल दो गाड़ियां जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ गई, जो साइड में खड़ी हुई थी, ये नुकसान जो है यहां पर हुआ है। एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी जो डंगे का एक हिस्सा आप देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ जो है गिरी हुई है और अभी भी लगातार मिट्टी जो है गिर रही है। और हाईवे में ये देखेंगे आप, क्योंकि सुबह भी अगर बात करें हाईवे पर काफी ज्यादा हाईवे
हाईवे पर दो जगह अगर बात करें तो मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया था, और फिर से जो अगर बात करें कालका शिमला नेशनल हाईवे की, तो एक बार फिर से यहाँ बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जहां पर पूरा रास्ता ही खत्म हो गया है, और फिलहाल ट्रैफिक को पूरी तरह से इस रास्ते से बंद कर दिया गया है। टनल की ओर से जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया है और इस रास्ते से बंद कर दिए गए हैं वाहन। आपको जानकारी एक बार फिर से मौसम विभाग के अनुसार से बता दें। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से अभी भी पत्थर यहां पर गिर रहे हैं, मिट्टी आ रही है, तो एक हिस्सा अभी भी टूटने का अंदेशा बना हुआ है और कभी भी ये हिस्सा जो है एक बार फिर से यहां पर गिर सकता है। और लगातार आप देखेंगे कि मिट्टी किस तरह से ऊपर से आ रही है। और इस बीच अगर बात करें तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मॉनसून चल रहा है, भारी बारिशें हो रही हैं, आज भी भारी बारिश को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, अत्यधिक भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। और आपको बता दें कि वेरी हैवी रेनफॉल के तहत अगर बात करते हैं तो मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन में भारी बारिश के साथ साथ नुकसान की भी आशंका यहां पर मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। और अभी भी अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल बारिश वाला बना हुआ है, कभी भी भारी बारिश जो है हो सकती है, और इस बीच जो है ये मलबा जो है और ज्यादा यहां पर आ सकता है। ये आप देख रहे हैं जो लोग वहां जा रहे हैं वो ये इन्हीं की कार है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ गई है। कुछ सामान जो है इनका गाड़ी में रह गया है, अब गाड़ी तो नहीं निकाल पाएंगे लेकिन वो सामान जो है निकाल रहे हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा सा मुश्किल भी है बहुत, क्योंकि जिस तरह से ये गए हैं और ऊपर से अभी भी मिट्टी पत्थर गिर रहे हैं। जिस तरह के इनके पास बैग्स हैं तो ये लोग कहीं से आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बैग्स इनके पास हैं, और ये गाड़ी जो है इनकी यहाँ पर मलबे के साथ नीचे आ गई है और लगातार ऊपर से पत्थर मिट्टी जो है गिर रहे हैं। हाईवे का बड़ा हिस्सा टूटकर जो है नीचे आ गया है। लगातार हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस बार मॉनसून के सीजन में काफी ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। जगह जगह पर हाईवे टूट गए हैं, रास्ते टूट गए हैं, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब बाढ़ आ रही है और आज भी अगर बात करें भारी बारिश के तहत, आप लोगों के कमेंट भी देख रहे हैं तो यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, केवल दो गाड़ियां जो है इस मलबे के साथ आ गई हैं, गनीमत यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
अभी भी यहाँ से ऐसी टूटने की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये अभी भी जिस तरह से देखेंगे कि मिट्टी और पत्थर जो है लगातार आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा डंगा जो है ये टूट गया है और लगातार जो आवाज़ है वो काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही है कुछ टूटने की, और यहाँ से इस तरह से लग रहा है कि पत्थर जो है खिसकने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी और पत्थर जो है वो टूट रहे हैं और नीचे की तरफ जो है लगातार धीरे धीरे कर जो मिट्टी है वो खिसक रही है, और साथ में आप दंगे की स्थिति देखेंगे कि पत्थर जो है बाहर की तरफ निकल आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर दूरी पूछ रहे हैं कि सोलन बाजार से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर तक का ये सफर होगा। जहाँ पर ये देख रहे हैं आप, हाईवे का जो बड़ा हिस्सा है वो टूट गया है, ये जो पुल बना था जो हाईवे का, ये इसका जो एक देखेंगे कर्व बहुत बड़ा था इसका। यहाँ से टनल से होते हुए जो भी लोग सोलन टनल से गए होंगे वो जानते हैं कि इस तरफ से जो कर्व आता है, एक वो कर्व जो है एक तरफ से बिल्कुल टूट चुका है और लगातार मिट्टी और पत्थर जो है यहाँ पर लगातार गिर रहे हैं। ट्रैफिक की जो जानकारी ले रहे हैं कि ट्रैफिक इस रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है, तो आपको जानकारी दे दें कि जो नीचे वाला जो है, जो टनल से होकर नहीं आता है वहां से ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन यहां से जाने वाला जो ट्रैफिक, जो टनल से गाड़ियां जाती थी वो अब देवघाट होकर जा रही हैं, बड़ूग वाले रास्ते से ही जा रही हैं, जो पुराना कभी हाईवे हुआ करता था उसी रोड से ट्रैफिक जो है बहाल कर दिया गया है। पूरी गाड़ियां जो है वहीं से जा रही हैं, अब इस रास्ते से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, बाईपास से ही गाड़ियों को टर्न ऊपर की तरफ किया जा रहा है, नीचे से ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया गया है फिलहाल अभी, और अभी जब तक ये नहीं बनता तब तक तो ट्रैफिक बंद ही रहेगा, क्योंकि काफी बड़ा नुकसान है ये और काफी बड़ा हिस्सा टूट कर आया है और इसे बनने में भी मुझे लगता है समय लगेगा, लेकिन नेशनल हाईवे है तो जल्दी बहाल हो जाना चाहिए। तो सभी लोगों से हम ये आग्रह भी करेंगे कि जब आप लोग अपने वाहन लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ी सी सतर्कता से वाहन चलाएं, क्योंकि देखिए इस तरह के बड़े हादसे जो हैं अभी लगातार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, रोजाना इस तरह के बड़े हादसे हो रहे हैं जहां पर काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग।
काफी लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ। भाई थोड़ी सी कर लो। चलो पर लेकिन आज वाहनों की वाहन होती है, वाहनों की आवाजाही शुरू होती है और अचानक जमीन झुकती है और फिर टूट जाती है। तो ये सूरत हाल उन्होंने संदेश में जो फ्लाई ओवर बना है उसका है, इसके कारण प्रशासन के ऊपर भी और कोले निर्माता कंपनी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। अभी हम बात करना चाहेंगे जिनके इनमें से दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी इनकी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कवलजीत। कवलजीत जी, आपकी गाड़ी वहां पर खड़ी थी या फिर आप जा रहे थे? मैं जा रहा था, 16 से चंडीगढ़ वापस जा रहा था जी। तो आप गाड़ी में ही सवार थे उस समय, और ये जब हादसा हुआ तो आप गाड़ी में ही थे नीचे? जब गाड़ी में ही था। आपको कोई चोटें वगैरह तो नहीं? अकेले ही थे गाड़ी में सवार? हाँ जी। तो अभी आपकी गाड़ी जो है काफी ज्यादा उलट गई है, तो आप कैसे बाहर आए? निकल के खुद ही आना पड़ा। खुद ही आ गए। तो जो दूसरी गाड़ी है साथ में वो खड़ी थी वहाँ पर ना? वो ऊपर ही थी, वो भी साथ ही आई है। हाँ जी। तो देखिए आपको तो ये कवलजीत जी हमारे साथ थे जिन्होंने जिनकी गाड़ी इसमें है, और ये खुद गाड़ी में सवार थे और ये हाईवे की तरफ से जो है यहीं से जा रहे थे गाड़ी में सवार होकर, और उसी वक्त ये हादसा हुआ और ये गाड़ी में ही सवार थे जब ये पूरा हादसा हुआ और ये गाड़ी के साथ ही नीचे आ गए, लेकिन ये खुद ही बाहर आ गए। कुछ ज्यादा नुकसान, इन्हें चोटें नहीं आई है, लेकिन फिर भी गाड़ी का जो बड़ा नुकसान है इनका हुआ है। यहाँ पर बैल मारेंगे ना, वो आवाज आ रही है, पता लग गया। सामान भी है आपका अंदर? नहीं नहीं, फोन ही रह गया जी, फोन और चाबी जी। तो ये अभी जिस तरह से यहाँ पर देखेंगे गाड़ी उल्टी पड़ी है, लेकिन काफी रिस्क वाली बात भी है, फोन उन्हें चाहिए।
लेकिन काफी रिस्क वाली बात। आप कहाँ रहने वाले, कहाँ के? डेराबसी। डेराबसी, हाँ जी। तो सोलन से आप डेराबसी के लिए वापस जा रहे थे? जी, हाँ जी। तो देखिए, अभी ये डेराबसी के लिए जा रहे थे और डेराबसी के रहने वाले हैं, या हाईवे की तरफ से जा रहे थे, और जिस समय ये हादसा हुआ है आप देखेंगे जो गाड़ी है इनकी जो उल्टी पड़ी हुई है इस वक्त, ये गाड़ी में ही सवार थे। गनीमत यह है कि इन्हें कोई ज्यादा चोटें नहीं आई है और कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये लाइव तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से हादसा यहाँ पर हुआ है, और एक हाईवे का बड़ा हिस्सा टूटकर जो है नीचे की तरफ आ गया, जिसमें दो गाड़ियां यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, और एक में व्यक्ति सवार थे जो डेराबसी के लिए यहाँ से जा रहे थे, और डेराबसी जाते समय जो है ये हादसा हुआ, और ये गाड़ी में ही सवार थे, और पूरा जो मलबे के साथ इनकी गाड़ी है वो नीचे आई है। और ये उस समय किस तरह का हादसा इनके लिए रहा होगा ये आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये गाड़ी में सवार थे और पूरा हाईवे का जो हिस्सा है वो टूट गया। दूसरी गाड़ी जो है उसमें कोई सवार नहीं था, लेकिन सामान उसमें लोगों का था, वो गाड़ी केवल खड़ी हुई थी वहां पर, और जो दो लोग थे अपना सामान लेकर यहां से जा चुके हैं। लेकिन ये कवलजीत जी जो डेराबसी के रहने वाले हैं, ये अपनी गाड़ी में ही थे, और गाड़ी जो है हाईवे से जा रही थी, क्रॉस कर रही थी, और उसी समय जो हिस्सा है ये टूटकर नीचे की तरफ आ गया। ये अच्छी बात है कि कवलजीत को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कोई ज्यादा चोटें नहीं आई है, लेकिन आप एक बार ये हादसा देखेंगे तो बहुत ज्यादा भयानक स्थिति उनके लिए होगी, जिस समय वो गाड़ी में सवार थे और उनकी गाड़ी जो है अचानक हाईवे से चलते चलते नीचे की तरफ मुड़ गई होगी, और गाड़ी बिल्कुल उल्टी पड़ी है, और इनका यहां से निकलना भी काफी मुश्किल रहा होगा उस समय पर। तो अभी आपने लाइव तस्वीर में देखा कि किस तरह से यहाँ पर हाईवे टूटा है, और रास्ता भी अभी फिलहाल यहाँ से बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है बड़ोग वाले रास्ते से। तो जितने भी लोग अभी यहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों को जानकारी दे दें कि अब रास्ता जो है बड़ोग की तरफ से खुला है, और ये रास्ता जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूँ वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।